मंदिर से क्या मतलब है, राम मंदिर से क्या मतलब है, रिपोर्टर हो तो कुछ भी बोलोगे, रिपोर्टर हो तो कुछ भी बोलोगे। एक सेकंड रुक भाई, रुक एक सेकंड। अभी महंगाई क्या महंगाई है, मेरा भाई भी नहीं करोगे, राम के ऊपर अगर कोई बोलेगा हम गला काट देंगे। बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी अंधभक्ति है तो बोलना पड़ता है भैया। हमारा 2014 में देश आजाद हुआ था। अरे मोदी जी, देश की जनता तो कब तक बुड़बक बनाइएगा आप उनको, कब तक बुड़बक बनाइएगा? गोबर खाते थे, गोबर खाते थे। 2014 के बाद होगा, हमारे हिसाब से 2014 के बाद हुआ है, हमारे हिसाब से 1947 में हुआ है, मेरे को लग रहा है कि 2014 के बाद हुआ है। क्या लग रहा है सर, महंगाई साइज सी बात है, इसको साफ तरीके से कहा जाए तो सरकार से मुहार है। अब बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ेगी तो और ज्यादा बेरोजगारी होगी। अब हमारे कहने का मतलब है कि कोई 15,000 का महीना कमा, और महंगाई इस हिसाब का है कि जहाँ पे 25,000-30,000 कमा के लोग पूरा नहीं कर पा रहे। कल के डेट में क्या था कि लोग 10,000 का महीना कमा कर भी अपने फैमिली को सुखी से खुशी से रख कर और फैमिली चलाकर और कुछ पैसा बचा लेता था लोग। आज के डेट में रेडी पटरी वाला देख लो या कोई भी देख लो, अगर महीने का अगर वो 30,000 रुपया भी दे, कहने का मतलब इस दिल्ली के अंदर में कमा लेता है। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, मोदी जी कह रहे हैं कि विश्वगुरु हम बन गए, विश्वगुरु। अरे मोदी जी, देश की जनता तो कब तक पूर्वक बनाइएगा आप उनको, कब तक पूर्वक बनाइएगा ये तो बताइए। बोल रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई रहती तो आप ऐसा कीजिए, इतनी जनता यहाँ पे खड़ी है, आप इनसे सर्च कर लीजिए कि महंगाई और महंगाई है। आप महंगाई और बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, ये बेचारे यहाँ पे अगर कोई वजन करेगा तो इनको 5 रुपया मिलेगा। अगर ये यहाँ पे कहने का मतलब है 8 घंटा बैठते हैं तो इनको कितना पैसा हो जाएगा, उसकी से 150-200 महंगाई नहीं बढ़ी है। अंबानी हो गए, महंगाई नहीं बढ़ी हुई है। कुछ लोगों का आदत है पाकिस्तान जाके देखिए कितनी महंगाई, पाकिस्तान से क्या मतलब है, हम कंपेयर कर चाइना से करें ना, अमेरिका से करें ना, काम करो, काम करो, कमाई बहुत है, क्यों नहीं कमाई है, हिसाब से मांगो साहब, कमाई भी है। आटा खाते हो आप, आटा खाते हो आप, घर बोलो, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप आटा खाते, आटा का रेट कितना है बताए आपको, कितना रेट है? 40 रुपए, 40 रुपया है, 30 रुपए वाला भी है, 40 वाला भी है। डाटा का रेट क्या रुपए है? डाटा हमने चला, डाटा चाहिए कि डाटा चाहिए, हमने चला 1500-1900 रुपया डाटा का रेट है, डाटा 40-32 रुपए भैया, रोटी कपड़ा और मकान इनको चाहिए ना, 81। अगर जनता का इतना सपोर्ट था तो कल पहले क्यों नहीं बनवा लिया, क्या कर रहे थे? महंगाई किसने बढ़ाया? किसानों ने बढ़ाया है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसानों ने महंगाई बढ़ाया है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, आप समझो पहले, आप जब एमएसपी की मांग हो रही थी जिसकी वजह से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इस समय महंगाई बढ़ी है इसकी वजह से किसानों ने बढ़ाया है, किसकी वजह से बढ़ाया आप बताओ? अगर किसान आलू का समय नहीं है, आलू का किसान आज इस समय खेत में आलू नहीं है, अच्छा वो आलू कहाँ स्टोर हुआ है आपको पता है? किसका फॉल्ट? अडानी के गोदाम में। ये गए थे तुम अडानी के गोदाम में? हरियाणा जाकर देखो, गोदाम बने हुए, पंजाब में देखो। जगन्नाथ राम का बयान आया था कि देश 2014 में आजाद हुआ, क्या कहेंगे? सही तो कहा है, सही तो कहा है, गोबर खाते थे, गोबर खाते थे, आजाद तब 2014 के बाद होगा, जब गोबर खाएंगे अमूत पिया। जगन्नाथ राम ने जो कहा है वो सही कहा है, हम तो नहीं बोले थे कि हमारे 2014 में हुआ था, और जो बोल रहा है तो ही कहेगा, जो बोला तो हम लोग तब तो बोले 2047 बार देश आजाद हुआ था। अच्छा 2014 बच्चे को दर्द हुआ है थोड़ा, बच्चे को दर्द नहीं हुआ, हकीकत जो बात होता है ना, तो मिर्ची बात ये पहले या फिर बोलिएगा यार, आप पहले ही पूछ रहे हैं, ये इतनी बड़ी अंधभक्ति है तो बोलना पड़ता है भैया। हमारा 2014 में देश आजाद हुआ था, आप बताइए, अपना देश कब आजाद हुआ था आप बता दीजिए, आप बताइए, नहीं हमारे बात है,
45 को हमारे आप इनको भरोसा नहीं होगा। अभी वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जब आपने सुनना नहीं चाहता तो क्या लगता है? एक मिनट आजाद हो गया तो आजादी किस बात की? असल बात है 62 साल से जैसे बोला अंधभक्त ना, जो 62 साल से खुद तलवे चाट रहे हैं वो हमें अंधभक्त बोल रहे हैं। इसके तलवे और सुनो एक मिनट, वो समझ में आ गया होगा उनको जिनको मैंने बोल दिया। हमारे हिसाब से 2014 के बाद हुआ है, तुम्हारे हिसाब से 1947 में हुआ है। आपके हिसाब से ये देश चलेगा? क्यों बोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने ये बोला नहीं कि देश मेरे हिसाब से चले, मैंने बोला क्या देश मेरे हिसाब से चले। मेरे को लग रहा है कि 2014 के बाद हुआ है। आपको कारण है उसका, कारण है उसका, जब ये कि मोदी जी 2014 में आ गए थे ना, फिर आ गया कारण आ गया। तो बोल ले पहले, बोल ले पहले। अरे आप तो युवा हो, इस तरह की चीजें आपको नहीं बयान देनी चाहिए। अरे यार जब बीच में तुम्हारे जो ये दो खड़े हैं, आप इनसे पूछो, अपने बोल के बता कर रहे हैं। क्या मंदिर बन गया ना, महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा? मंदिर बन गई तो क्या मतलब है? रिपोर्टर को कुछ भी बोलोगे? अरे रिपोर्टर को कुछ भी बोलोगे? अरे राम मंदिर से क्या मतलब है? राम मंदिर से क्या मतलब है? राम मंदिर से क्या मतलब है? रिपोर्टर को कुछ भी बोलोगे? रिपोर्टर को कुछ भी बोलोगे? रिपोर्टर हो तो कुछ भी बोलोगे? राम मंदिर बनने से महंगाई बढ़ गया? बोलो महंगाई है इतना? महंगाई क्या महंगाई है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। 2014 के पहले जो तुम बोल रहे हो, मनमोहन सिंह के ये क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे, 10-10% महंगाई का था इन्फ्लेशन। आज कितना है? 3-4% है, 6% है। तो मैं वो तुम नहीं कह रहे थे, तात्पर्य तुम्हारा वो नहीं था। राम मंदिर देखो आस्था है, मेरा भाई भी निकलोगे, ये भी मेरे देश के ऊपर और मेरे राम के ऊपर अगर कोई बोलेगा हम गला काट देंगे। बिल्कुल सही बात है। राम मंदिर बना? तो मैं भी पूछ रहा हूँ यार, राम मंदिर बनने से यार इसका महंगाई से क्या मतलब है? लोग चंदा दिए तो बना। तो मैं भी कह रहा हूँ यार, हम चंदा दिए, ये चंदा दिए, चंदा दिए। मैं ये कह रहा हूँ उससे महंगाई आपको, मैं क्या क्या चीज में महंगाई बढ़ा आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, कोई टैक्स नहीं आता था चावल पे, आपके हाथों में प्रतिबंधी है। इससे पहले कभी आलू 40 रुपया हुआ भाई? टमाटर 700 रुपए किलो गया है, आलू गया है भाई, क्यों क्यों? इससे पहले अगर कोई और बताई, मैं तो नहीं जानता हूँ भाई। एक आलू के देखो यार, एक आलू क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई बढ़े होता है भैया, डिमांड एंड सप्लाई बढ़े हैं। अगर किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो यार महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार। यार बात ये है कि आज के टाइम में फेंकने भी पड़ते हैं, 2 रुपए किलो नहीं ले रहा है टमाटर, फेंकने भी पड़ते हैं। ये बात आपने सही कही कि किसान को ऐसा समय आता है कि रोड पर फेंकने पड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इसमें इतना रेट बढ़ गया है? डिमांड एंड सप्लाई बताया तो भैया ने, ये जो आया था फॉर्मल लॉजिक जो 300 रुपए है, ये कानून ऐसा चलता रहेगा। जो किसानों के लेकर जो 3 कानून आए थे वो तो वापस कराने कानून, जो किसान धरना बैठकर अगर वो कानून लागू हो जाता है तो महंगाई नहीं होती। यही कहना चाहते भाई, एक्चुअल में क्या है ना कि वो जो 3 कानून थे, बहुत ही अच्छे 3 कानून थे। आपको अगर पता नहीं होगा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये 3 कानून थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इसको लेके आएंगे। जैसे CA हो गया, NRC हो गया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम लेके आएंगे। एक सेकेंड, अरे भैया रुक जाओ। यार देखो वापस क्यों लिया, वो पॉलिटिकल रीजन के वजह से उसको वापस करना पड़ा, पॉलिटिकल रीजन के वजह से। जब देश हित में वो कानून था, किसानों के हित में था, क्या वजह आ गई मोदी जी के वापस ले? भाई किसान अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे सब जगह, कुछ अगर कुछ करने ही नहीं देंगे तो क्या क्या कर पाएंगे? तो अभी जैसे एक सेकंड रुक जाओ यार, अभी जैसे शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि 20 गुना है, ये हमें सब चीज पे 20 गुना दो। आप अभी आटा कितना पे 30 रुपया खरीद रहे हैं मान रहे हैं, अब आप 600 रुपए किलो आटा खरीदेंगे क्या?
अरे कोई भी चीज मांग जायज मांग करिए, आज एमएसपी की जरूरत ज्यादा ज्यादा बिहार और यूपी के किसानों को है। अरे भाई यहाँ के किसान तो आप देखेंगे फल पूर्ण है, हरियाणा के किसान हो गए, पंजाब के किसान हो, मैं किसी देखिए किसान की मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ, हमें उन्हीं की वजह से हमारे को अन्न मिलता है। किसान जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उनका और जो मजदूर वर्ग जो हमारा खींच रहा है उनके डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो, न कि बिचौलिया हमारे बीच में था। इसी चीज के लिए तो था भाई कि आरती को खत्म करेंगे, वो जो थ्री लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो यार यही चीज तो था कि आप किसी भी मंडी में जाके आप बेच सकते हैं, अपने रेट पे बेच सकते हैं। ये था बॉस, यही था भाई। मैं सुनो, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं एक मार क्या था बताइए, वो जाके पूरा स्टोर करना था उनका मैं मकसद था अडानी के नाम से। चलो ठीक है भैया, अडानी अडानी जो आप बोल रहे हैं ना, ये लाल किला बिक गया, ये लाल किला बिक गया, ये लाल किला है भैया। देखिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ, अडानी अडानी के पास जो अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, बात है क्या कि इनको पता कर क्या कह रहे हैं, लाल किला के बारे में बात कर रहे हैं, लाल किला डालमिया ग्रुप को दिया गया है 25 करोड़ में, पांच साल भेज दिया गया, क्यों क्या क्या रीजन हुआ कि भाई हमको देना पड़े? भाई मैं बताता हूँ अभी, मैं बताता हूँ क्या रीजन पड़ा भैया। भाई मैनेजमेंट सिर्फ क्या हो गया है, आप जो बोल रहे हैं डालमिया ग्रुप को दिया गया, चलो मैं मान लेता हूँ, माना नहीं, रियलिटी है, ठीक है भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट राइट दिया गया है सिर्फ, जो उस चीज को पहले अंधेरे में रहता था, अभी देखो लाइट शो होता है, सब कुछ होता है, और ये क्या होता है आम जनता के लिए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाएंगी। क्यों मुश्किल आ जाती भाई, आम जनता को नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, अगर वो कह रहे हैं 1000 रुपए टिकट लेंगे तो 1000 65 रुपए दे रहा है, 60 रुपए दे रहा है, 75 रुपए दे रहा है, यही होता है, अभी रेलवे भी होने वाला है, यही होगा मनमाना जियो देखिए ना, 25 पैसे बढ़ाया, इसलिए भी भोग के लेता है, क्या कहेंगे आम आदमी घूमने जाए, अगर जिसके हाथ में प्राइवेटाइजेशन दिया गया उसमें देखिए 600 रुपया टिकट है, 600 रुपए नहीं है, मात्र 50 रुपए 65 रुपए की टिकट है, 15 से 50 65 अगर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कितना कितना परसेंट बात कर रहे हैं, कितना परसेंट बताए, आपके लिए महंगाई होगा, आपके लिए लेकिन आम जनता के लिए बहुत महंगाई, आप चावल रोटी सब्जी खा लेते हो लेकिन दूसरी जनता नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है, ये तमाम मुद्दों पर यहाँ पे बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।